क्या पवन सिंह किसी पर्चे के मोहताज है? नहीं। क्या पवन सिंह के पास धन दौलत ऐश्वर्य की कमी है? नहीं। तो यह व्यक्ति काराकाट आया है किसके लिए? हम सभी के लिए। किसी से नॉमिनेशन करते तो वहां से इनका जीत सुनिश्चित था, लेकिन उन्होंने काराकाट को चुना और काराकाट की जनता की जिम्मेवारी है, हम सभी की जिम्मेवारी है, बिहार के सभी जनता जनार्दन की जिम्मेवारी है और हमारे जो प्रवासी भाई, जो काराकाट संसदीय क्षेत्र के जो प्रवासी भाई जो बाहर कमा रहे हैं उनकी जिम्मेवारी है कि हम लोगों ने 15 साल औरों के लिए दिया तो 5 साल अपने पवन सिंह को देने का काम करेंगे। कंफर्म है ना? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्त अब एक बात बतलाइएगा, एकदम दिल से बतलाइएगा कि कोई भी व्यक्ति हो आप बताएं हमें क्या पवन सिंह किसी पर्चे के मोहताज है? नहीं। क्या पवन सिंह के पास धन दौलत ऐश्वर्य की कमी है? नहीं। तो यह व्यक्ति काराकाट आया है किसके लिए? हम सभी के लिए। और हम सभी का दायित्व है इनको विजयी बना के काराकाट का नाम भारतवर्ष में ऊंचा कर दे। और गुजरात से आगे जीत तो सुनिश्चित है। देखिए यदि किसी के पास विजन होगा, अगर विजन है तो गुजरात से भी हम आगे होंगे। पवन भैया ऐसी लकीर खींचेंगे, ऐसी लकीर खींचेंगे कि जिसको पार कर पाना किसी की बस की बात नहीं होगी। जिसके कंठ पे माँ सरस्वती का आशीर्वाद हो और सप्त रूपी माँ चंडी दुर्गा माता इनकी माता का जिनके ऊपर आशीर्वाद हो और ऐसा पुत्र जिनका अटूट विश्वास अपनी माता के प्रति हो उसको कौन हरा सकता है? कौन हरा सकता है? इसलिए हम सभी लोग, हमारे अभिभावक, हमारे गार्जियन, हमारे मित्र, हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारे माताएं और पिताएं, जितने लोग हैं वो सब एक साथ 1 तारीख को पवन सिंह के नाम से वोटिंग देने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जनता, जय पवन सिंह, जय पवन सिंह।